बार बार माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी से, अभी आप लोग अपना ठिकरा किसी दूसरे के सर पर मत फोड़िए। कोरोना एक त्रासदी थी, भयावह त्रासदी थी, वैश्विक त्रासदी थी, और जो बच्चे पार्ट थर्ड का परीक्षा नहीं दे पाए वह कोरोना कारण नहीं दे पाए, उसमें बच्चों का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन लाखों लाख बच्चे जो दरोगा बनने का सपना रखे सजाए हुए थे, वो लाखों लाख बच्चे इस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं, और केवल आपके एक डिसीजन से। नमस्कार, आप देख रहे हैं HS बिहार, मैं हूँ आदेश पुरी। बिहार दरोगा परीक्षा को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, हमारे ही चैनल से गुरु रहमान ने आयोग से रिक्वेस्ट किया था कि आप जो हैं छात्रों की ये असमंजस की स्थिति क्लियर करें। 2 से लेकर 5 तक छुट्टी होने के बावजूद सर के रिक्वेस्ट से आयोग ने कल शाम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 11 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा अब टल गई है, 29 नवम्बर को होगी। हमारे साथ हैं रहमान सर, इनसे बात करेंगे। सर, हमने आयोग को, आपने और हमने मिलकर आग्रह किया, क्या कहना है, आयोग ने बात सुना? देखिए, सबसे पहले कि मैं बच्चों को कुछ बोलूँ उससे पहले मैं HS बिहार को बहुत बहुत थैंक्स दूंगा कि HS बिहार के माध्यम से उठाई गई आवाज़ आयोग के अध्यक्ष ने सुना, और आयोग के अध्यक्ष ने छुट्टी में भी जो बार बार आयोग के अध्यक्ष से आपने भी बात किया और हमने भी बात किया, तो बार बार बोलते थे कि छुट्टी के बाद हम ये करेंगे, तब तक बच्चे बहुत व्याकुल थे। तो निसंदेह HS बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है इसमें, और HS बिहार के माध्यम से जो आवाज मैंने उठाई थी, जो आयोग से आप भी बार बार फ़ोन करते रहे, हम भी बार बार फ़ोन करते रहे, और अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, जब आप लोग इतना लड़के में व्याकुलता है तो हम डेट आप हम वेबसाइट पर डाल देते हैं, और वेबसाइट पर डाल दिया। इसके लिए थैंक्स ऑफ लॉट आपको भी, और थैंक्स ऑफ लॉट आपके चैनल को भी, थैंक्स ऑफ लॉट आपको आयोग को भी। और बच्चों के लिए स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि कोई भी मीडिया वाला कभी भी गलत न्यूज नहीं चलाता है। कुछ लोग वायरल कर रहे थे कि मेरे पहले के वीडियो को जो कि ना आपने चलाया था ना किसी मीडिया में आया था, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि परीक्षा 11 अक्टूबर को होगी। इसका कहने का एकमात्र उद्देश्य था कि उस समय किसी तरह कोई सूचना नहीं थी, और अधिकारी लोग भी कह रहे थे कि नहीं परीक्षा होगी, और कॉलेज वाले भी कह रहे थे कि परीक्षा होगी, और मीडिया में भी कह रहे थे, आप लोग भी कह रहे थे कि परीक्षा होगी। तो मैंने बच्चों को दिग्भ्रमित ना हो इसलिए मैंने कहा था कि होगा, लेकिन जैसे ही 1 तारीख को पेपर में आया, तो पेपर में आने के पश्चात HS बिहार आप सबसे पहले मेरे पास आए और आपने ये बात कही, और हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था, पर समस्या थी कि वेबसाइट पर आयोग ने नहीं डाला था, जो कि हम लोग के प्रयास से, HS बिहार के प्रयास से और मेरे प्रयास से, ये HS बिहार ने, ये आपको BPSSC ने छुट्टी में रहते हुए उसको मजबूरन डालना पड़ा, और बच्चों के मन को शांति मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक और मामला है, कुछ छात्र हमसे बोल रहे थे कि सर से आप एक और रिक्वेस्ट करते कि जो अभी दरोगा की फॉर्म फिलअप किया गया है, जो थर्ड ईयर के जो छात्र थे जो कि लॉकडाउन के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे, एक बार उनके लिए भी सर आप रिक्वेस्ट करते, ऐसा छात्रों का कहना है। देखिए, मैं बार बार ये बात आपके चैनल से भी उठा चुका हूँ, और ऐसे भी अपने यूट्यूब में बार बार बोल चुका हूँ, चूँकि आचार संहिता है, नहीं तो मैं एक बच्चों का हुजूम लेकर बाहर निकलता। मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी से अभी, और राज्यपाल महोदय से, महामहिम राज्यपाल, और साथ साथ BPSSC के अध्यक्ष महोदय से, मैं स्पष्ट रूप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपना ठिकरा किसी दूसरे के सर पर मत फोड़िए। कोरोना एक त्रासदी थी, भयावह त्रासदी थी, वैश्विक त्रासदी थी, और जो बच्चे पार्ट थर्ड का परीक्षा नहीं दे पाए वह कोरोना कारण नहीं दे पाए, उसमें बच्चों का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन लाखों लाख बच्चे जो दरोगा बनने का सपना रखे सजाए हुए थे, वो लाखों लाख बच्चे इस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं, और केवल आपके एक डिसीजन से। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और आयोग कि अध्यक्ष महोदय से हमारा नम्र निवेदन है कि आप इन बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, और इंसाफ के साथ इंसाफ कीजिए, और जो पार्ट थर्ड के अपेयरिंग छात्र हैं उनको भी परीक्षा का फॉर्म भरवाने के लिए आप अनुमति दीजिए। इसके लिए बिहार की जनता आपकी ऋणी रहेगी, अन्यथा बच्चे किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं, और मैं भी बच्चों के साथ था, हूँ और रहूँगा। सर, एक और प्रश्न सर, कि डेट बढ़ गया है, लगातार डेट बढ़ रहा है मेंस का, तैयारी करने वाले छात्रों को आप क्या हिदायत देना चाहते हैं?
देखिए इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, आदेश की 2004 में माननीय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो उस समय दरोगा बहाली निकली थी, जो फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, बूटा सिंह राज्यपाल बने, फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो 2004 में निकली बहाली 2008 तक उसकी कोई परीक्षा नहीं हुई। उसमें 13-13 आंदोलन हुआ और उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा कि उन लोगों ने कहा कि जब डेट निकल जाएगा जो तो हम तैयारी शुरू करेंगे, और बहुत साधारण बच्चों को देखा जो लगे रहे। तो मैं यही कहूँगा कि जो 2 महीना डेट बढ़ा है इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा कैंसिल हुई है, 2 महीना डेट बढ़ा है, और अगर दरोगा वास्तव में बनना है और सपना है दरोगा बनने का, तो जो बच्चे 11 अक्टूबर के को मान के जिस तरह से तैयारी कर रहे थे उसी तरह से तैयारी में लगे रहें, अन्यथा थोड़ी सी भी चूक बहुत भारी पड़ जाएगी। सारे कोर्स को रिवाइज कर लें, एक दो सेट और दो सेट डेली प्रैक्टिस करें, लेकिन लगे रहें, अगर थोड़ी सी भी रिलैक्स होंगे तो प्रतियोगिता टफ हुई है। आपको ये भी बता दें कि जब जब तिथि बढ़ती है तब तब प्रतियोगिता टफ होती जाती है, कट ऑफ भागता है। वैसी परिस्थिति में एकमात्र उपाय है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पागलपन के हद तक गुजर कर पढ़ाई अगर वृद्धि लेना है तो। सर परीक्षा का समय चल रहा है बिहार में, लगातार वैकेंसी निकल रहा है, तो इसमें जालसाज जो हैं मुन्ना भाई, उन लोगों का सक्रियता बढ़ गया है और वो बहुत सारे छात्रों से कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, और छात्र भी कुछ कुछ जो है कि इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए सर आप कुछ बताएं कि ये कैसे गलत है। देखिए मैं गुरु होने के नाते स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैंने 2009 में 2014 में 2017 में यार हजार पता नहीं कितने बच्चे सफल हुए, तो मैं स्पष्ट रूप से गुरु होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी मुन्ना भाई लोग हैं, जितने भी सेटरबाज हैं, वे उन लोगों के लिए एक धंधा बन गया है, होना जाना कुछ नहीं, होता उसी का है जो पढ़ता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सब्जी बेचने वाले की बेटी एसडीपीओ कैसे बनती, प्राइमरी स्कूल की बेटी आपको आईपीएस क्यों बनती, साधारण किसान का बच्चा आईएएस कैसे बनता, एक छोटा सा ताड़ी का दुकान चलाने वाला कैसे बनता, सब्जी सर पर ढोने वाला ऑफिसर कैसे बनता। होता उसी का है जो पढ़ेगा, और जो बच्चे जालसाज के चक्कर में, ये मुन्ना भाइयों के चक्कर में, सेटरों के चक्कर में पढ़ेंगे, वो लिख लीजिए आदेश, मैं आज कह रहा हूँ कि उनका नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। होने का एकमात्र उपाय है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जो पढ़ेगा वो पास करेगा, और जो सेटिंग के चक्कर में रहेगा वो पास नहीं करेगा। इसलिए मैं गुरु होकर तमाम छात्रों से अनुरोध कर रहा हूँ आपके एचएस बिहार चैनल के माध्यम से कि आप किसी भी तरह के अफवाह, किसी भी तरह के मुन्ना भाई, किसी भी तरह के सेटरों के चक्कर में ना पढ़ें, और अपने आप को मिटा दो अपने हस्ती को कि अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है, कि परिपाटी पर चलकर अब पूरी तरह से पढ़ाई में अपने आप को झोंक दें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये मुन्ना भाई और सेटर ये समाज के कोड़ हैं, देशद्रोही हैं, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे मेहरबानी करके पढ़ें, केवल पढ़ें, क्योंकि सफलता का एकमात्र रहस्य पढ़ाई है, एकमात्र रहस्य पढ़ाई है। तो ये थे हमारे साथ रहमान सर, जिनका कहना है कि सफलता के लिए एकमात्र पढ़ाई है, और जब जब तिथि बढ़ता है तब तब कंपटीशन टफ होता है, तो आप रिलैक्स ना हो। और गुरु रहमान ने हमारे चैनल के माध्यम से एक और अपील की है कि वैसे छात्र जो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम लॉकडाउन के कारण उनका नहीं हो पाया, उन्हें उन पर फिर से विचार करे आयोग और सरकार। तो देखने वाली बात है कि आयोग इस पर क्या कार्रवाई करती है, लेकिन फिलहाल जो दरोगा का जो एग्ज़ाम 11 अक्टूबर से होने वाला था वो टल गया है, 29 नवंबर को हो गया है। दरोगा और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।